आज है जी 4 सितंबर 2020 और हमें लखनऊ में, यहाँ पे हम परसों आ गए थे, कल मिश्रा जी ने हमें जाने नहीं दिया। तो कल का इस्तेमाल किया हमने जूते खरीदने में, विकास नगर से यहाँ तक हम जूते के बिना ही आए थे, चप्पल पहन के आ गए थे। यहाँ पे डीकैथलॉन से हमने ये जूते खरीदे हैं, केचुए के जूते हैं, केचुए नहीं केचुआ, केचुआ के अभी ब्रांड नेम पता नहीं कौन सा है, ये पता नहीं कौन सा है। तो ये 1500 के मिले हैं और ट्रैकिंग के लिए भी ठीक ही होंगे, बाकी तो इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा। तो आज हम जाने वाले हैं फैजाबाद, फैजाबाद यहाँ से है 150 किलोमीटर। चलो ठीक है मिश्रा जी, बहुत बढ़िया लगा, 2 दिन हम पड़े रहे आपके यहाँ पे। हाँ बड़े दिन पड़े रहे। अभी जो है 11:30 बजे हैं, अयोध्या है यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर, हमें लगेंगे 2.5-3 घंटे। तो आज तो हमें 150 किलोमीटर ही चलना है, उससे ज़्यादा नहीं चलना। 150 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि हम नॉन स्टॉप चलें या हो सकता है रास्ते में एक आध जगह रुक जाएं। नाश्ता करके चले हैं मिश्रा जी के यहाँ से, तो रास्ते में हमें कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे शहीद पथ ख़त्म हो रहा है, लेफ्ट में जाएंगे लखनऊ सिटी में पहुँच जाएंगे, राइट में जाएंगे तो फैजाबाद अयोध्या पहुँचेंगे। भाई साहब उमस इतनी ज़्यादा है कि रुकते ही एकदम पसीना ही पसीना आ रहा है। चलो थोड़ा सा रेस्ट करके निकलेंगे आगे। ये हाईवे जाता है सीधा गुवाहाटी, तो एक बार जब हम गुवाहाटी से आ रहे थे, इसी बाइक से आए थे, तो हम इसी हाईवे से आए थे, तो सुबह चले थे हम 6 बजे सिलीगुड़ी से और रात को 12 बजे यानी 18 घंटे बाद पहुंचे थे हम अयोध्या। डिस्टेंस है 888 किलोमीटर यानी लगभग 900 किलोमीटर एक दिन में बाइक चलाई थी, यही वाली बाइक डिस्कवर 150। 70 किलोमीटर के आसपास फैजाबाद बचा हुआ है। अच्छा फैजाबाद की एक बात और बताऊं आपसे, पिछले कुछ महीने पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया था। तो असल में फैजाबाद सिटी का नाम नहीं बदला था, फैजाबाद ज़िले का नाम बदला था। तो वो फैजाबाद ज़िला था पहले, अब वो अयोध्या ज़िला हो गया है, लेकिन फैजाबाद सिटी अभी भी फैजाबाद ही है। इसलिए हमें जगह जगह बोर्ड भी लगे मिल रहे हैं, फैजाबाद इतने किलोमीटर, अयोध्या इतने किलोमीटर। बैक व्यू मिरर ये वाला भी और ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे आगे और हमारे पीछे किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, किस तरह की गाड़ी चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है। क्योंकि भैया जब आप सड़क पे चलते हो तो 1000 तरह के इंसिडेंट होते हैं, 1000 तरह के रूल ब्रेक होते हैं, 1000 तरह के लोग आपको मिलते हैं, गाड़ियाँ आपको मिलती हैं, और सभी लोग अपनी अपनी नज़र में खुद ठीक होते हैं। अभी सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए रॉन्ग साइड में, तो उसके पास अपनी बात को सही सिद्ध करने का तर्क होगा। फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे तो हम बाईपास पहुंचेंगे फैजाबाद के, और अगर फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ेंगे तो सिटी में पहुंचेंगे। तो अब इस किनारे पे खड़े होके थोड़ा सा जूस पियेंगे, यहाँ पे तो कोई जूस की दुकान ही नहीं दिख रही है, एकदम से उजाड़ सा बाईपास है। चलो कोई बात नहीं, अपर्णा जी की लोकेशन आ गई है, सिटी के अंदर हैं वे, तो हमें सिटी के अंदर ही जाना पड़ेगा यहाँ से। चलो अब तो उनके घर पे ही कुछ चल के खाना पीना करेंगे। पुलिस वाले खड़े हुए हैं बहुत सारे, ये क्या लिखा हुआ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या 12 नवाबगंज 28। बार बार उनकी लोकेशन चेंज आ रही है, तो लाइव लोकेशन भेज रखी है उन्होंने। चलो हमारा क्या, थोड़ा बहुत हम भटकेंगे तो उन्हें ही ब्लेम कर देंगे, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा देंगे कि जी आपने अपनी लाइव लोकेशन दी थी, जो कि बार बार चेंज आ रही है, कभी कहीं पे आ रही है, कभी कहीं पे आ रही है। लाइव लोकेशन में ये बड़ा पंगा होता है, अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो
तो सैटेलाइट से उतना अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से एक्यूरेसी चेंज होती है, तो उस वजह से फिर लोकेशन भी चेंज हो जाती है। या तो आप बाहर हो सड़क पे चल रहे हो हमारी तरह तो एक्यूरेसी बनी रहती है, लेकिन घर के अंदर हो, ऑफिस के अंदर हो, इंडोर में हो, तो एक्यूरेसी चेंज होगी, उसी हिसाब से फिर लाइव लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। लाइव लोकेशन में ये है कि गूगल मैप का जो वो बनता है ना, वही रूट, वो रूट नहीं बन पा रहा है, बस उनकी मुझे लाइव लोकेशन दिख रही है। मैंने भी अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दिया तो नहीं भाई गलत आ गया। तो यहाँ से वापस मुड़ेंगे, हाँ गलत आ गया ना। अरे यार उनकी लोकेशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। चलो इधर से चलो, अब जो इधर ही दिखने लगी है इनकी लोकेशन। आई ये किधर चढ़ना है भाई, अब चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है, चलो फिर से देखते हैं। अरे यार ये कहाँ आ गए, यहाँ से लेफ्ट में जाना है ना, चलो लेफ्ट में मुड़ते हैं। अब भाई मैं पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहा हूँ। यहाँ पे खड़ी करके, ए यार उनकी लोकेशन फिर चेंज हो गई है, अब उन्हें फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लोकेशन यहाँ पे जो काली माता लिखा हुआ है काली माता के पास थी, अब वो कोई और मंदिर है दूसरी जगह पे है, नॉर्थ में आने लगी है, फिर मैं वहाँ पहुँचूँगा तो फिर से यहीं आ जाएगी। तो बार बार उनकी लोकेशन फ्लक्चुएट कर रही है, ये देखो फिर से फ्लक्चुएट कर गई अपने आप। ये होता है इंडोर में बैठने की वजह से, हो सकता है वो इंडोर में बैठी हो तो इस वजह से सेटेलाइट से कनेक्शन नहीं हो पाता। अच्छा तो अब मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ आगे आप ठीक आ रहे हैं? नहीं आपकी जो लाइव लोकेशन है वो फ्लक्चुएट हो रही है, मुझे अपनी करंट लोकेशन भेज दीजिए। ये आई देखो करंट लोकेशन, अब जो ये लोकेशन है भले ये सही है या गलत है, मैं इस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि अब इसमें मुझे गूगल मैप खुल जाएगा। अब गूगल मैप से मुझे रूट मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी। ये बता रहा है 450 मीटर दूर है, यानी कि हमें इधर से जाना है। लगाओ इसे यहीं पर, करंट लोकेशन मिल गई। अब भले ये गलत भी हो मैं इस जगह पे पहुंच जाऊंगा, अब ये चीज़ फ्लक्चुएट नहीं होगी। यहाँ तो गोबर ही गोबर है, भैंसे हैं, कोई डेरी वेरी खोल रखी है क्या इन्होंने? अबे न्यूट्रल हो गई। ये लो उनका फोन आ गया, इसका मतलब हम थोड़े बहुत इधर उधर हो गए। कहाँ भागे जा रहे हो उधर? अरे जो लोकेशन मुझे गूगल पे बता रहा है उस वहीं पे जा रहा हूँ मैं। अच्छा सुन, तो आप सब कुछ देख के बता, एक छोटा सा बीएसएनएल का वो मिला था? बीएसएनएल नहीं मिला, वो भैंस का वो मिला था, तबेला। भैंस तबेला वो उधर चले गए तो। अच्छा वापस आओ, चलो ठीक, लौट करके आओ। हाँ देखो छोटा सा गलियों का चौराहा मिलेगा तुम्हें। अच्छा छोटा सा गलियों का चौराहा है। हाँ हाँ चलो आते हैं।